हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम वो वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट में टोंका, लांबो एंड टोंक। वहाँ उसमें हम पेज नंबर 52 पे बात करें। गिबली एंड द ग्रे, गिबली एंड द ग्रेन। ग्रेन मीन्स जो अनाज होता है उसके दाने। आंट गिबली हैज टू रीच द ग्रेन। सी इज अ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड। कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट। क्या कहा है? आंट गिबली हैज टू रीच द ग्रेन। वो वहां पे जो गिबली आंट से मीन्स कीड़ी, उसको कहाँ पे पहुंचना है? वहां पे जो ग्रेन्स के दाने हैं उस तक पहुंचना है। सी इज अ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड। कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट। तो वो जो आंट से जो कीड़ी है वो सबसे जो शॉर्टेस्ट रोड है उसको वो ढूंढती है। कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट। तो आप उसको बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है। तो वहाँ पे आंट है, पिक्चर दिए आपको, तो वहाँ पे आंट है, वहाँ पे रोड ए है, तो रोड ए पे वहां से लेके वहां तक ग्रेन है। वहां पे बी है, वहां पे सी और डी। तो उसमें से आपको सबसे छोटा वाला रास्ता कौन सा है वो आप उसको बता सकते हो? सबसे छोटा वाला रास्ता कौन सा है वो आप उसको बता सकते हो? उसको बता सकते हो कि सबसे छोटा वाला रास्ता कौन सा है? तो ए तो वहाँ से लेके वहाँ तक, बी सी और डी वहाँ से लेके वहाँ तक, सी भी ऐसे है। तो हमको लगता है कि बी वाला जो पाथ है, बी वाला जो रोड है वो शॉर्टेस्ट है। तो उसका आंसर क्या आएगा वहाँ पे? उसका आंसर हम लिखते हैं, रोड बी इज द शॉर्टेस्ट। कौन सा रोड शॉर्टेस्ट है? तो रोड बी इज शॉर्टेस्ट देन। कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस। आप भी हमको वहां पे कितने रास्ते दिए हैं? 4 रास्ते, रोड ए, रोड बी, रोड सी और रोड डी। उससे भी आप हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, उससे भी शॉर्ट रोड हम ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द दैट रोड। हम जो रोड ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ हमको लिखना है। तो हमने वहां पे ड्रॉ किया, वहां पे लेसे सीधा स्ट्रेट रोड हमने ड्रॉ किया वहां पे, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट रोड है। तो यस, तो हम आंसर लिखते हैं यस आई कैन। तो हम ड्रॉ कर सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट, और हमने ड्रॉ भी किया, तो यस आई कैन रोड शॉर्टर देन दिस। देन दिस व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड। तो उसके हमने वहां पे जो न्यू वाला रोड ड्रॉ किया उसकी लेंथ कितनी है? तो कितनी है उसकी लेंथ, वहां से हमको मेजर करना है।
तो उसके लेंथ कितनी है, तो 11 है ना, वहां पे दिखती है 11 वहां पे, तो उसकी लेंथ कितनी है, तो 11 का आंसर लिखेंगे। और स्ट्रेट रोड इज लेंथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर। कितनी है, 11 सेंटीमीटर। तो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, कैन यू ड्रॉ रोड शॉर्टेस्ट देन दिस। हम वहां पे आप 4 रोड ड्रॉ किया है, उससे भी शॉर्टेस्ट रोड हम आप ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड, तो जो ड्रॉ कर सकते हो तो उसकी लेंथ कितनी है, तो यस हम ड्रॉ कर सकते। तो वहां से लेके सीधा स्ट्रेट रोड हमने ड्रॉ किया, तो वो 4 रोड में से शॉर्टेस्ट रोड ड्रॉ किया हमने, तो उसकी लेंथ कितनी है, तो 11 सेंटीमीटर। तो यस आई कैन ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस, और स्ट्रेट रोड इज अ लेंथ 11 सेंटीमीटर। देन नाउ हाउ लॉन्ग इज अ मीटर, मीटर कितना लंबा होता है, तो मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर लेंथ होती है, तब कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं, और मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता तो कितने मीटर्स होते, 1 मीटर। और आपको 2 मीटर्स चाहिए, तो कितने सेंटीमीटर होगा, तो 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर तो 300 सेंटीमीटर। और आपको हाफ मीटर चाहिए, तो कितना सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर। तो हम स्टार्ट करते, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, हम लॉन्ग वाली कुर्ती बनाना चाहते हैं। टेक 2 मीटर्स क्लोथ फॉर योर कुर्ता। वो लोग शॉप में गए हैं और उसने कहा मुझे लॉन्ग वाली कुर्ती बनाना चाहती हूँ। टेक 2 मीटर्स क्लोज फॉर योर कुर्ता। तो शॉपकीपर ने कहा आपकी कुर्ती के लिए 2 मीटर आपको क्लोज लेना पड़ेगा। कितने मीटर क्लोज लेना पड़ेगा, तो 2 मीटर्स। एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी, एंड मेरे लिए लंबे स्कर्ट के लिए कितने मीटर्स क्लोथ चाहिए। यू नीड 3 मीटर्स, उसने कहा 3 मीटर्स आपको क्लोथ लेना पड़ेगा। लेट्स अस मेक अ मीटर रोप, चलो हम लोग 1 मीटर्स के रोप बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर मेजरिंग क्लोथ विथ अ मीटर रोप। आप कहीं भी दुकान में जाते हो, शॉप कहीं भी क्लोथ्स लेने के लिए जाते हो, तो हम 1 मीटर उस शॉपकीपर के पास हम कहते हैं कि 1 मीटर चाहिए हमको, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 4, 5 एक्सेट्रा। तो हमको जितने भी मीटर चाहिए वो हम शॉपकीपर्स को बताते, तो वो हमको किसकी मदद से माप के हमको वो देता है कट करके। तो वो उसके पास एक लंबी वाली लोखंड की पट्टी होती है, उससे वो मेजर करता है और हमको देता है।
तो यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर मेजरिंग क्लोथ विथ अ मीटर रोल। आप दुकानदार के पास जो लोखंड की वन मीटर की पट्टी, उसके पास क्या होता है, लोखंड की 1 मीटर की पट्टी होती है, उसके उसको कापड़ को मेजर करते हैं। आपको हमने देखा है, आप कहीं भी दुकान में गए कापड़ लेने के लिए, क्लोथ्स लेने के लिए, हमने कहा हमको 2 मीटर चाहिए, तो वो दुकान शॉपकीपर को उसके पास जो लोखंड वाली पट्टी होती है उसकी उससे वो मेजर करता है और बाद में आपको कट करके देता है। तो वो आपने कहीं भी शॉप में देखा है, तो ये देखा है। तो फर्स्ट यूज द मीटर रोड है ना एंड अ रोप, तो हम 1 मीटर की क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मीटर पट्टी चाहिए और रोप। मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ द रोप, जो रस्सी होती है उसके एक छेड़े पे क्या करना चाहिए हमको, उसके एक एंड मीन्स एक छेड़े पे क्या करना चाहिए, उसने कहा है नॉट करना, गांठ बांधना। कीप द मीटर्स रोड विद द रोप, जो मीटर पट्टी होती है आपके पास उसको जो डोरी हो रस्सी है उसके साथ क्या करना है, कीप रखना है। मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट थर्ड, तो हमको 1 मीटर की रोप बनाना है। तो हम कैसे काउंट करेंगे 1 मीटर रोप, तो हम मेजर पट्टी आप होती उससे या जो लोखंड वाली शॉपकीपर के पास जो क्लोथ मेजर करने के लिए पट्टी होती है उसकी मदद से, तो हमको मेजर पट्टी से 1 मीटर रखना है। मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नोट ऑफ थे, जो रस्सी होती है उसके पर 1 मीटर की निशानी करना है और वहां पे भी आपको क्या करना है, गांठ बांधना है। नाउ द लेंथ बिटवीन द टू नॉट इज 1 मीटर, तो हमको एक एंड पे गांठ लगाई और 1 मीटर मेजर करके दूसरी भी हमने गांठ लगाई, तो वो रोप 1 मीटर की हो गई ना। इफ यू डू नॉट गेट अ मीटर रोड यूज द मेजरिंग टेप एंड मार्क्स 100 सेंटीमीटर्स ऑन द रोप, 100 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू अ मीटर, सो यू गेट द मीटर्स रोप। जो आपको आपके पास माप पट्टी नहीं है तो आप मेजर टेप का भी यूज कर सकते हो एंड 100 सेंटीमीटर रस्सी पे आपको क्या करना, निशान करना, 100 सेंटीमीटर बराबर इज इक्वल टू 1 मीटर। आम आपको इस तरह से आपको 1 मीटर और रस्सी मिलेगी। देन नाउ तो उसमें आपको पता चल गया, तो वो सब आप अपनी इंग्लिश आप अपनी मैथ्स मैजिक की नोटबुक में लिख दें। अब आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में